नमस्कार, फूड क्रेविंग अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी रेसिपी है पालक पनीर। सो पालक पनीर बनाने के हमें चाहिए 250 ग्राम पालक। उसको हमने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। फिर हमें चाहिए पनीर। यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर, उसके टुकड़े कर लिए हैं अच्छे से। बारीक कटी हुई प्याज, 3-4 लहसुन की कलियाँ उसको मैंने कूट लिया है, हरी मिर्च 2 से 3, तेज़पत्ता और दालचीनी। यहाँ पे मैंने एक बड़े बर्तन में पानी गरम कर लिया है। उस पर उबाल आने पर हम उसमें पालक डाल देंगे और सिर्फ 2 मिनट ही उसको पकने देना है गरम पानी में। उसके बाद हम उसको निकाल लेंगे। ये पालक पक गया है, हम उसको निकाल लेंगे और निकालने के तुरंत बाद उसके ऊपर हम ठंडा पानी डाल देंगे, क्योंकि पालक फिर ज़्यादा पके ना। और अब हम इसको मिक्सी जार में लेके उसका पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक तवे पे थोड़ा ऑयल डाला है, उस पर हम वो पनीर के टुकड़े डाल देंगे, उसका थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे एकदम हल्का, उसको सुनहरा कलर आने तक रोस्ट कर देंगे। यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा 2 चम्मच तेल लिया है, उसमें हम डालेंगे जीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी। अभी इसमें डालेंगे हम प्याज, प्याज को हमें सुनहरा होने तक भूनना है। इसमें डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो से तीन मिनट तक पकने देंगे। ये अच्छे से पक गया है। अभी इसमें हम डालेंगे लहसुन कुटी हुई, उसको 1 मिनट तक पकने देंगे। फिर अभी इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमें चाहिए लाल मिर्च 1 चम्मच। आप मसाले अपनी स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी जीरा पाउडर। अब हम उसमें डालेंगे पालक का प्यूरे, उसको अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट पकने के बाद हम अब उसमें डालेंगे पनीर। जो हमारा मिक्सी में पानी होता है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी का पानी पूरा उसमें कढ़ाई में डाल देंगे। फिर डालना है नमक और हमारा भुना हुआ पनीर। देखो, हमारा पालक पनीर बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख के भी बता सकते हो। धन्यवाद।